वरना यही लड़के इधर उधर किसी झाड़ियों वाड़ियों के नीचे जो है ना फुल अपने उसमें मोशन में होते थे। मैंने सुना है आपने चार लिए, वैसे चार आप देते हैं? ये गुलशन अदीर का सबसे छोटा प्लेयर, मतलब छोटे कद वाला प्लेयर है, काम बड़े बड़े हैं। वंस अगेन एक बार फिर हमारे इस बार Assalamualaikum, देखने वाले तमाम दोस्तों को एक बार फिर वेलकम करते हैं। आज नए दिन, नए मैचेस, नए व्लॉग के साथ, नए लोगों के साथ और नवाज भाई की जगमगाती हुई आवाज के साथ। काफी ताखीर के बाद जरूर यहां पर मेरी आमद हुई है, लेकिन मुकाबला आजकल जारी है और आते ही पहली बॉल पर यकीनी छक्के को कैच, बड़ी बेहतरीन कैच करके विकेट अपने नाम की। और इस वक्त पहली इनिंग का खात्मा हो चुका है। 10 ओवर में रन की तादाद जापान पहुंची है। स्कोर 146-147 रन बनाने के लिए बिल्कुल ये तैयार हैं सज्जाद। आ गए हमारे सलमान अब्बासी भाई, अब हमारे यहाँ पे बैठना बिल्कुल हर बंदे को ना गुजरे। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि मैच विन करें। मैच विन करें कितना ये टारगेट कितने ओवर में चेज करने की कैलियत रखते हैं? इंशाल्लाह 7-8 ओवर में इंशाल्लाह कोशिश है कि हम चेज करें। जल्दी निकले। की रोल कौन होगा? की रोल है शहबाज है, वसीम है, माशाल्लाह से सीनियर प्लेयर हमारे, और सलमान भुट्टो है। तो और उसके साथ साथ आप हमारे व्लॉग देखते हैं? नहीं देखते? बिल्कुल देखते हैं। लाइक करते हैं? लाइक नहीं करते, इंशाल्लाह करेंगे। लाइक नहीं करते। ये गुलशन अदीर का सबसे छोटा प्लेयर, मतलब छोटे कद वाला प्लेयर है, काम बड़े बड़े हैं इसके। वसीम भाई कितने ओवर में चेज करोगे? 4.3 यहाँ पर रिकॉर्ड है, यहाँ पर 4.3 वाला, कोई 4.3 वाला एक डायलॉग मार के जाएं आप? यार डायलॉग नहीं, लेकिन मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। कितने में चेज करने की कोशिश करेंगे? तकरीबन 8-9 में इंशाल्लाह। एक ओवर पहले, एक ओवर पहले का बोल दिया भाई, बनेगा चेज होगा। कितने ओवर में, कितने ओवर में बनाओगे? 9 ओवर 8 ओवर बन जाएगा भाई। ये सब जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ ये 9 ओवर और 8 ओवर में बना रहे हैं, मतलब हालात। पहली चार बॉल बच्ची शॉट, इस बार फील्डर मौजूद जरूर हैं, क्या बाउंड्री रोकने में कामयाब होंगे? बिल्कुल यहां पर 2 रन का मजीद इजाफा। वंस अगेन एक बार फिर हवा में, इस बार फील्डर क्या कैच करने में होंगे कामयाब, लेकिन यहां पर कैच ड्रॉप, 2 रन का इजाफा। ये यकीनी तौर पर मैच का कैच था, मैच का नक्शा यहां पर पलट सकता था। टेविन स्टार की टीम सज्जाद दुरानी को दूसरा मौका मिला अपनी इनिंग को जारी रखने का। एक तरफ सज्जाद ने 50 रन बनाए, अब दूसरा सज्जाद उसी तरफ है। गामजा ने अतमा पहले 2 कैच ड्रॉप, उसके बाद कहा एक बार और तोहफा ले लें। नवाज भाई आज के मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वो सोशल मीडिया पे वो मैच चला नहीं, तो नवाज भाई की एक और इनिंग रायगा हो गई। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग दानिश की, एक बार फिर कटर और भरपूर फायदा, रन्स यहां पर मिलेंगे 6। मेरी तारीफ हर किसी को राज नहीं आती, कुछ ऐसा ही होता हुआ यहां पर दानिश के साथ। इस ओवर में विकेट जरूर ली, लेकिन 4 छक्के कंसीड हुए इस ओवर में, बड़ी बेहतरीन बैटिंग अब तक इरफान स्पोर्ट्स की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं 7 स्टार की नुमाइंदगी करते हुए सज्जाद भाई, बड़ी बेहतरीन बैटिंग की इन्होंने। सज्जाद भाई कहाँ की टीम है आपकी ये बता दें, और क्या पोजीशन है, क्या लगता है डिफेंड हो जाएगा स्कोर? नहीं इंशाल्लाह क्यों नहीं होगा, मेमन गोट की टीम है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बॉलर है अभी और भी 2-3 बॉलर है इंशाल्लाह। किस पे नजर है बॉलिंग में? बॉलिंग सब लड़के अच्छे हैं, अभी असलम है और साजू भाई है। ये जो 1000 रुपए का ऐलान आया वो ओवर कराएंगे नहीं कराएंगे? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शान ए स्टील टाउन, प्राउड ऑफ स्टील टाउन, कैप्टन ऑफ स्टील टाउन ने। नवाज भाई क्या कहेंगे? नहीं सलमान भाई, इसमें काफी लोगों का हाथ है। सबसे पहले तो आप बहुत ज्यादा जो है ना, आपके लिए जो है मेरे तारीफ कलमात होंगे, क्योंकि
जब से आप आए हैं आपने जो है ना तकरीबन ये जो लाइव कवरेज शुरू की है और उसके बाद ये चांडियो है उसमें लड़कों को जो लड़कों के अच्छे शॉटों को लड़कों की अच्छी बॉलिंग फील्डिंग को प्रमोट किया है इससे लड़कों में जो है ना बड़ा जो है ना शौक पैदा हुआ है वरना यही लड़के इधर उधर किसी झाड़ियों वाड़ियों के नीचे जो है ना फुल अपने उसमें मोशन में होते थे कंट्रोल कंट्रोल या पबजी वगैरह इन गेमों में इन चीजों में आज इस क्रिकेट में जो लड़के उभरे हैं वो कहीं ना कहीं ये फूल जो है मुरझाए हुए थे और इन फूलों को जो है ना अपनी जगह पे पहुंचाया है काफी लोग आपके साथ साथ और गिलानी साहब जो है ये है नवीद कादिर भाई है हमारे अब्दुल्ला भाई है वकास भट्टी है उन्होंने सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मेहनत की और अब अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं आप जानते हैं अच्छी तरह कौन उनको नहीं जानता आप नवाज भाई आपने बड़ी शानदार बॉलिंग की आज मैंने सुने आपने चार लिए वैसे चार आप देते हैं मतलब चार विकेट लिए यार आप ये देखो ये भाई पूछ रहे हैं बार बार चार विकेट लिए माशाल्लाह ये आपका कैरियर का सबसे अच्छा रिकॉर्ड ये है या इससे बेहतर भी है सलमान भाई कैरियर के बारे में तो ना पूछे क्योंकि ये तो कैरियर नहीं है ना ये तो वो चीज है जो हमने छोड़ दी थी ये हम किसी की वजह से ये आप ये अंदाजा लगाए तकरीबन शाहिद ने और मैंने ये फैसला किया था हम ग्राउंड की तरफ दोबारा आएंगे नहीं जितनी थी उतनी ये जो शख्सियत बैठे हुए जरा इनकी तरफ आप बोले ये चार जो मैंने बोले ये लोग बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा ये तो आप मुझे तो जानते हैं मैं तो आपके वाक में होता हूँ हमेशा आवाज लगाता हूँ आप अवर पे आए चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू और ये वो दूसरा चेहरा जो ये कह रहा था कि हम 8 से 9 ओवर के दरमियान चेज करेंगे वापिस आ गए हैं वसीम भाई अब कितने ओवर में चेज होगा इंशाल्लाह अब 11वें में चेज होगा अब 7वें चेज होगा भाई कह रहे अब मैं आ गया हूँ वापिस अब 7वें चेज होगा चाचू बयान रिपीट करो आप ये किन को मरवाएगा मोहब्बत भरी शख्सियत है ये और ये माशाल्लाह से पानी की दो बोतलें यहाँ पर बिल्कुल तैयार है कोई भी पिए इस दौरान बेहतरीन शॉट अनदर सिक्स शुएब इस वक्त छक्कों की बारिश करते हुए ये 5 छक्के लगा चुके हैं इस इनिंग में ये भाई हमारे अर्दिल अजीज दोस्त हैं ये बिल्कुल उंगली के पीछे जो उबैद भाई के शागिर्द हैं अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है और ये कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उबैद भाई का फैन हूँ सही कह रहा हूँ गलत सही कह रहा हूँ भाई सही कह रहा हूँ बिल्कुल आपको नजर आएंगे वसीम भाई कितने ओवर हो गए 6 ओवर बाकी कितने ओवर में बनाना है 15 गुड 4 ओवर में 60 रन बाकी अभी भी गेमा गेमी जारी है यहाँ पर मेरे इर्द गिर्द कोई कह रहा है बनेगा कोई कह रहा है नहीं बनेगा नवाज भाई क्या कह रहे हैं नवाज भाई बनेगा नहीं बनेगा नवाज भाई इग्नोर कर रहे हैं कि कोई मेरा बयान सियासी ना हो जाए लेकिन नवाज भाई ने कह दिया कि ये रन मुश्किल है अब और दूसरी तरफ है दौलत खान बन रहा नहीं बन रहा भाई वो तो हमें भी पता अच्छा खेलेगा तो बनेगा लेकिन आपका आपका तजर्बा क्या कहते हैं चलो अभी एक दो तीन गेंदे देखते हैं बंदे ये दो बंदे किस तरह खेलते हैं चलें जी लेट्स सी जी क्या होता है नवाज भाई नहीं बनेगा भाई नवाज भाई ने कह दिया आप बयान दे दिए बड़ी सोच विचार के बाद दिए 18 बॉले 46 रन स्टिल गेम ऑन है और 7 छक्के तो नहीं लगे अब इन्हें 15,000 हमारे को देना पड़ेगा माइक पर मौजूद हैं अरसलान सपोर्टर यहां पर सपोर्ट की जरूरत है इरफान स्पोर्ट को शॉट एक रन बना और एक ही पर होगा इत्तेफाक भाई आपने बताना है आपने फैसला करना है ये बिलाल जुटका लिखा हुआ है या झटका लिखा हुआ है सज्जाद भाई क्या इरादा है बन रहा है नहीं बन रहा मुश्किल है भाई सज्जाद भाई ने कह दिया नामुमकिन है कह दिया नामुमकिन है भाई सीम भाई कितने ओवर में बनाएंगे 11वें में नहीं लेख लो 11 कर दो यार कर दो 11 10 ओवर में पूरे भाई आखिरी बॉल पे पूरा करेंगे जो यहाँ पर शायकीन मौजूद है पीछे इन सब के पैसे पूरे कर रहे हैं ये टिकट लेकर आए 7 बॉले 22 रन और बड़ा बेहतरीन बॉल इस बार लेकिन यहाँ पर शानदार ओवर
रहा किसके लिए? इरफान स्पोर्ट्स के लिए। उम्मीद है एक बार फिर बहाल होते हुए। नवाज भाई अपने बयान पे कायम है अभी भी अपने बयान पे। किस चीज के बयान? कौन जीत रहा है? जीत रहा है वो बॉलिंग वाले जीत रहे हैं। बॉलिंग वाले जीत रहे हैं भाई। शीना भाई बड़े मुस्कुरा रहे माशाल्लाह से, नवाज भाई की परफॉर्मेंस देख के या फिर यहाँ पर ये बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर? नवाज भाई की परफॉर्मेंस। भाई शीना भाई ने कहा कि ये हीरा है, मैं इसको तराशूंगा, लेकिन अब तराशने से अभी चुप तो है, अब तराशने से गुजर चुका है। 6/21 बनेगा इंशाल्लाह, बनेगा इंशाल्लाह भाई, आखिरी बॉल पे बनेगा। राइट टाइम ओवर द विकेट, पहला बॉल शॉट हवा में जरूर, लेकिन एलिवेशन यहां पर मौजूद नहीं, एक ही बार इत्तेफाक करना पड़ेगा। वंस अगेन लेफ्ट द मार्क, लेकिन यहां पर डाउन द ग्राउंड, एक बार फिर सिंगल, चार बॉलों पर 3 छक्के। क्या इस टूर्नामेंट का पहला सुपर ओवर हो सकता है? वंस अगेन इन साइड थर्ड पोजीशन की तरफ, दूसरे की यहां पर तलाश जरूर होगी, क्योंकि 3 बॉलों पर 3 छक्के हैं बाकी। वंस अगेन, ओह नो, ओह माय गुडनेस, इट्स अ डॉट बॉल। इस मुकाबले में फतह नाम रही सज्जाद भाई एंड कंपनी की, और ये टीम 7 स्टार फ्रॉम मेमनकोट की टीम है और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उम्मीदें दब तोड़ गई हैं यहाँ पर वसीम कंपनी, और इस वक्त हमारे साथ है हमारे बड़े अर्दिल अजीज दोस्त है बाबर भाई मौजूद हैं। ये इनका ताल्लुक कहाँ से, कौन सी टीम से खेलते हैं, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग क्या करते हैं, ये सब ये बताएंगे अपनी जुबान से। अस्सलाम वालेकुम, मैं फील्डिंग करता हूँ 7 स्टार में, और कभी कभार मौका मिलता है, और टूर्नामेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, शाहिद भाई बहुत अच्छे चला रहे हैं टूर्नामेंट, और हर चीज अच्छी जा रही है। आप बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं? मैं बैटिंग करता हूँ। बैटिंग करते हैं, और ये सारे जो पीछे आपके खड़े हैं इनमें से सबसे फेवरेट आपका कौन है? से, जी से जुमा खान। जुमा भाई आ जाए यार, आप एक बार, आपके कमेंट भी बहुत हैं। कहाँ पर हैं ये भाई? हैं भाई, ये इनके फेवरेट हैं जुमा भाई, और इनके लिए 1000 रुपए का ऐलान था, लेकिन सज्जाद भाई ने कहा 1000 रुपया इसको मैं नहीं लेने दूंगा, इसको ओवर ही मैं नहीं दूंगा। क्यों भाई? जुमा भाई ओवर क्यों नहीं कराया आपने यार? हमारी माशाल्लाह बॉलिंग अच्छी थी, सब बॉलर अच्छे थे, तो इसलिए जो कंडीशन थी उस हिसाब से बॉलिंग। और बशीर ओपनर के लिए क्या कहेंगे? बशीर ओपनर आपके लिए कमेंट कर रहे थे बेचारे, इतने आपके लवर, क्रिकेट लवर हैं वो, इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने 1000 रुपए, बाकी किसी के लिए नहीं ऐलान किया, सबको भूल गए, सिर्फ आपको याद रखा कि 1000 रुपए का ऐलान है 3 विकेटों पे। कोई खास बात? बॉलिंग पे आपके लगाया था उन्होंने? बॉलिंग पे वो बॉलिंग भी अच्छी कराता हूँ, माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग चला रहे थे, इसलिए मैंने कहा कंटिन्यू चला रहे, मतलब मतलब ये जो 3000 रुपए के चक्कर में आपने कहा कि ये मैच ना चला जाए, ये देख लो सज्जाद भाई भी एग्री है भाई इस बात पे। दैट्स इट फ्रॉम द सेंटर, बड़ा मजा आया इनके साथ है, इंशाल्लाह फिर नए दिन के साथ नई जगह पर नए लोगों के साथ एक बार फिर आपके साथ हाजिर खिदमत। तब तक के लिए इजाजत, काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि उबैद भाई के शागिर्द हमारे साथ मौजूद हैं।